हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ इन दोनों क्रीमों के बारे में। ये दोनों क्रीम हमारे स्किन का किस तरह से स्किन को सेप रखने वाली है, दोनों हमारे स्किन का किस किस प्रॉब्लम को खत्म करने में काफी तक हेल्प करने वाली है, ये वीडियो बिल्कुल छोटी सी जानकारी इसकी दोनों क्रीमों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। स्किन शाइन और अल्ट्रा ब्राइट क्रीम हमारी स्किन को किस तरह से स्किन को ग्लोइंग बनाने के साथ साथ हमारे स्किन को किस तरह से लाइटनिंग बनाती है, इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर कौन से कैसे सेप किए है या नहीं है, तो बस आज की वीडियो में बने रहना। ये वीडियो काफी तक आपकी स्किन के लिए हेल्पफुल होने वाली है। इन दोनों क्रीमों के बारे में, सच्चाई के बारे में बात करने वाला हूँ। ये हमारी स्किन को कितने दिन में गोरा बनाती है, कितने दिन में हमारी स्किन पर रिजल्ट दिखाने के बाद स्किन को कितने दिन में हमारी स्किन के प्रॉब्लम है उसको हटाती है, और कब किस तरह से इसको यूज किया जाता है। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहना, सारी जानकारी सही जानकारी आज की वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो देखो गाइस, आपको मैं बता देता हूँ, ये दोनों क्रीम हमारी स्किन को गोरा बनाने के लिए यूज करने वाली क्रीम है, जो कि हमारी स्किन को हमेशा जो कि हमारी स्किन को भाई 3 या 4 दिन में स्किन को अच्छे तरह से गोरा बनाने में काफी तक हेल्प करती है। चाहे स्किन कौन सी भी प्रॉब्लम हुई है, फटाफट हमारी स्किन को जल्दी ही गोरा बनाएगी, क्योंकि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार से यूज करके जो हमारी स्किन को जल्दी गोरा बनाने के साथ हमारी स्किन को कई तरह के जल्दी से रिजल्ट देता है। चाहे स्किन पर पिगमेंटेशन हो, स्किन पर डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम हो, स्किन पर कई तरह की सनबर्न की प्रॉब्लम हो, स्किन पर झइयों की प्रॉब्लम हो, स्किन पर मेलाज्मा की प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम को खत्म करने में काफी तक हेल्प करने वाली एक क्रीम है, जो कि हमारी स्किन के लिए काफी तक तो ये ज्यादातर सूटेबल होती है, लेकिन हमारी स्किन पर कई तरह के नुकसान भी दे सकती है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसके नुकसान के बारे में, पहले इसके फायदे के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो गाइस, इसके अंदर ये ऐसे इंग्रेडिएंट यूज किए जो हमारी स्किन को गोरा बनाने के लिए काफी तक यूज किए जाते हैं। जैसे पहले मैं स्किन शाइन के बारे में बात करता हूं, स्किन शाइन के अंदर यूज किया गया है हाइड्रोक्विनोन, जो कि 2% में इसमें यूज किया जो जो हमारी स्किन को ज्यादातर गोरा बनाने में काफी तक हेल्प करता है। ट्रेटिनोन इसके अंदर यूज किया जाता है, ट्रेटिनोन एक विटामिन ए का रूप है जो हमारी स्किन के तेल हमारी स्किन के मुआसे को हटाने के साथ साथ हमारी स्किन के ब्लैकहेड और ब्राइटहेड को हटाने में भी काफी तक हेल्प करता है। इसके अंदर मोमेटासोन फ्लोराइड यूज किया गया है जो हमारी स्किन का कई तरह की प्रॉब्लम को हटाता है, जैसे स्किन की लालिमा आने या स्किन पे सूजन जैसी प्रॉब्लम होती है उसको हटाता है और हमारी स्किन को गोरा बनाने में काफी तक हेल्प करती है। स्किन शाइन क्रीम आपने देखोगा कई ढेरों सारे, और आप जिनने भी इस क्रीम का यूज करा उन्होंने भी ये देखा होगा। ठीक है, अब बात करता हूँ अल्ट्रा ब्राइट क्रीम के बारे में, जो कि भी थोड़े दिन पहले ही इस पे मैंने वीडियो बनाई थी, कई लोगों ने इसका यूज भी करा होगा शायद, लेकिन गाइस जो मैंने उस वीडियो में बिल्कुल सच्चे बिल्कुल सब कुछ मैंने बता दिया, लेकिन गाइस फिर भी मेरे पर कई कमेंट आते हैं। देखो अल्ट्रा ब्राइट क्रीम एक ऐसी क्रीम है जो भी हमारे स्किन को गोरा बनाने में काफी तक हेल्प करती है। इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोन, मोमेटासोन फ्लोराइड, ठीक है ना, ये इंग्रेडिएंट्स तीनों सेम, इसके अंदर जैसे सेम इंग्रेडिएंट्स यूज किए वैसे इसके अंदर दोनों सेम इंग्रेडिएंट, तीनों सेम इंग्रेडिएंट्स सेम है, लेकिन गाइस इसके अंदर दो इंग्रेडिएंट्स भी अदर इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए जो हमारी स्किन के कई प्रॉब्लम को हटाता है। जैसे कि इसके अंदर यूज किया गया है मिथाइल पैराबेन, जो कि एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो हमारी स्किन का हर एक प्रॉब्लम के साथ हटाने के साथ साथ हमारी स्किन को किस बार रेडनेस होती है उस स्किन को बचाने में हेल्प करता है। जो गाइस इसके अंदर और भी अदर एक इंग्रेडिएंट्स भी यूज किया गया जो हमारी स्किन का अच्छे तरह से गोरा बनाने के साथ साथ हमारी स्किन को एक लाइटनिंग प्रदान करता है, जिससे हमारे स्किन के सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। जो गाइस ये एक ऐसी क्रीम है जो कि दोनों के अंदर इंग्रेडिएंट दोनों के अंदर सेम किया है, लेकिन इस अल्ट्रा ब्राइट क्रीम के अंदर दो इंग्रेडिएंट्स अलग यूज किए गए हैं जो हमारी स्किन के लिए ज्यादातर ये फायदेमंद होने वाली एक क्रीम है। लेकिन गाइस ज्यादा इस क्रीम का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि कम क्वांटिटी में आने के साथ साथ इसके अंदर इंग्रेडिएंट जो ज्यादा मात्रा में यूज किया गया और हमारी स्किन को जल्दी गोरा बनाता है। लेकिन गाइस फिर भी ये हमारी स्किन के ऊपर क्यों साइड इफेक्ट्स दिखा देता है, अगर मैं इसके सच्चाई के बारे में बात करता हूँ, ये हमारी स्किन पे इसलिए साइड इफेक्ट्स दिखा देता है क्योंकि गाइस दोनों क्रीमों के अंदर एक स्टेरॉइड केमिकल यूज किया गया है। स्टेरॉइड हमारी स्किन को कई तरह के नुकसान देता है, जैसे कि स्किन को ज्यादा अगर इन क्रीमों का हम रेगुलर टाइम तक यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम इस दोनों क्रीमों को ज्यादा अगर आपको मैं बताऊं तो हम कम से कम 1 या 2 मंथ तक हम इसको यूज करना स्टार्ट कर देते ना रेगुलर, तो हमारी स्किन पर रेडनेस स्किन सेंसिटिव होना स्टार्ट कर देती है। तो ज्यादातर आपने देखा होगा छोटे छोटे पिंपल टाइप में दाने टाइप में भी आना स्टार्ट हो जाता है जो हमारी स्किन को कई तरह की प्रॉब्लम देता है, और हम जब कोई क्रीम यूज करते तो हमारी स्किन जलन टाइप होना स्टार्ट हो जाती है। आपको मैंने पहले बोला था स्किन दोनों स्टेरॉइड केमिकल यूज करेगा, और एक मेन पॉइंट अगर आपने अगर पहले ही नोटिस करोगे आपने देखोगा इन दोनों जो इंग्रेडिएंट दोनों सेम यूज किए गए हैं, दोनों क्वांटिटी में दोनों सेम इंग्रेडिएंट यूज किए, जैसे इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन 2% में है तो इसके अंदर भी हाइड्रोक्विनोन 2%, अगर इनमें हाइड्रोक्विनोन 0.025% में यूज किया होता दोनों क्रीमों में तो मैं आपको रियल बता रहा हूँ इसके अंदर अगर स्टेरॉइड कम यूज किया होता तो हमारी स्किन भी जल्दी रिजल्ट दिखाने के साथ साथ हमारी स्किन पर ज्यादातर साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं दिखाती, यानी कि हमारी स्किन को जल्दी गोरा बनाने के साथ हमारी स्किन को रेडनेस और सेंसिटिव बिल्कुल नहीं करती, पहली बात ये। दूसरी बात, ठीक है, तो ये हमारी स्किन को इसलिए प्रॉब्लम करती है इसके अंदर स्टेरॉइड यूज किया, और हम इसको ज्यादातर से यूज बिल्कुल नहीं कर सकते इन दोनों के, इन पैकेट पे साफ भी क्लियर किया होता है, ठीक है ना,
कंपनी ने भी कई क्लेम किया जाता है कि इन क्रीमों को हम डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया तभी यूज कर सकते हैं, हम इन क्रीमों को खुद से सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैंने कई तरह से वीडियो बना दिया, कितनी वीडियो बना दी यूट्यूब पर, सब कुछ मैंने इन दोनों क्रीमों के बारे में बताया कि हम इन दोनों क्रीमों को खुद से यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना गाइस। हमारे स्किन पर कई तरह की प्रॉब्लम को हटा दी लेकिन हम दोनों क्रीमों को जल्दी अगर खुद से यूज नहीं कर सकते। अगर मैं बताऊं कि उनको स्किन पर इन दोनों क्रीमों का यूज नहीं करना, अगर आपकी स्किन रेडनेस सेंसिटिव, स्किन पर इचिंग जैसा प्रॉब्लम होती है, स्किन पर पहले से कोई साइड इफेक्ट होता है, तो इन दोनों को क्रीमों का अगर आप यूज करते हो तो आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन ड्राई स्किन है तो भी आप इन क्रीमों का यूज मत करना, स्किन पर कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं इन दोनों का यूज करने का सही सटीक तरीका अगर बारे में बात करता हूं तो इन दोनों क्रीमों का एक ही सही से सटीक तरीका है। नाइट में सोते समय इन दोनों क्रीमों का यूज किया जाता है जो कि हमारी स्किन पर काफी टाइम तो लगा रहता है, तो हमारी स्किन पर अच्छा खासा रिजल्ट भी है, क्रीम दिखाती है। और देखो गाइस जो इन क्रीमों का यूज करते हैं डॉक्टर खुद एक सजेस्ट करने वाली क्रीम है, लेकिन गाइस इनको यूज करने से पहले भी एक तरीका होता है। देखो गाइस अगर आप नाइट में सोते समय इनका यूज करते हो तो सुबह उठने के बाद एक सनस्क्रीन भी यूज करना होता है जो हमारी स्किन के लिए काफी तक हेल्प करता है स्किन को बचाने। तो बस आज की वीडियो में इतना था गाइस, मैंने सब कुछ वीडियो में क्लियर कर दिया। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब।